नमस्कार दोस्तों, हमारे सिपाटन किचन में आप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आपके लिए लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। लाभ हानि, लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होती है। तो चलिए ऐसे मुझे प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। प्रॉफिट यानी लाभ और एंड लॉस लॉस यानी हानि। चलिए हम देखते हैं प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस मतलब हानि। तो हमें लाभ कैसे होता है, मान लिया जाए हम कोई वस्तु को 2 रुपये में खरीदे और 3 रुपये में बेच दिए, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ। अगर मान लिया जाए हम कोई वस्तु या मान लिया जाए हम पेन या मार्कर 2 रुपये में खरीदे और 1 रुपये में बेच दिए, तो हमें ये हानि हो गया यानी लॉस हो गया। तो इसमें क्या हो गया, हमारा 1 रुपये का लॉस हो गया। तो चलिए हम इस पर कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे हो गया मेरा इसमें ये हो गया मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट निकला हम अगर जैसे नहीं प्रॉफिट लाभ जैसे हो गया हम प्रॉफिट मतलब इसको बोलते हैं कॉस्ट जगह देते हैं क्रेमूल विक्रेमूल मतलब क्रेमूल मतलब बोलते हैं कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में होता है। ये हो गया क्रेमूल। क्रेमूल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और इधर हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये हो गया मेरा क्रय मूल्य, ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य। तो हम अगर प्रॉफिट निकालेंगे, अगर कोई चीज़ में लाभ हो गया हमें, तो हम कैसे निकालेंगे ये लिख दीजिए। लाभ बराबर इसको बड़े बड़ा करके लिखते हैं, लाभ बराबर यानी प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। लाभ कैसे होगा, यदि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हटाएंगे तो वो हमारा लाभ है। इससे देखिए हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जितना में हम बेचे उसमें से अगर जितना में खरीदे वो घटा देंगे तो हमारा ये निकल लाभ निकल जाएगा कि हमें लाभ कितना हुआ। अगर हानि निकालना है हानि इक्वल हो जाएगा ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मुझे विक्रय मूल्य, मुझे मेरा विक्रय मूल्य। अगर हानि होगा तो हम जितना में खरीदेंगे और
उससे माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य जितना हमें बेचे हैं उसमें माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लिखा दिए, अब हम आगे चलते हैं। परसेंटेज भी यही निकालना हो तो, अगर परसेंटेज में अगर निकालना हो कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो इसका ये सूत्र हो गया, लाभ बराबर ये हो गया कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर लाभ बटे, और ये हो गया क्रय मूल्य हो गया मेरा क्रय मूल्य लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%, ये हमारा हो गया 100%, ये हो गया मेरा 100%। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई वस्तु को हम 5 रुपये में खरीदे और उन्हें 10 रुपये में बेच रहे हैं, 5 रुपये में खरीदे और 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितना परसेंट हुआ हमें इससे निकालना है। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट। अगर आप स्क्रीन शॉट भी लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन शॉट ले लें। चलिए हम बताते हैं, कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदे और 10 रुपये में बेच रहे, तो हमें कितना परसेंट का लाभ हुआ। चलिए ये निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं लाभ में मुझे कितना हुआ है। तो लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य, अगर लाभ हो रहा है तो हम लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हो गया लाभ। तो लाभ इक्वल विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, तो 5 रुपये में खरीदे कोई वस्तु को 5 रुपये में और बेचे कितना 10 रुपये में, तो ये क्या हो रहा है लाभ बराबर, लाभ को पी से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, प्रॉफिट यानी पी बराबर लाभ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम एस पी भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट ये फर्स्ट वाला लीटर को लिख सकते हैं, दोनों का फर्स्ट लीटर विक्रय मूल्य एस पी हम लिख सकते हैं, एस पी माइनस और इसका हो गया कॉस्ट प्राइस यानी सी पी, सी पी भी लिख सकते हैं, आपको हिंदी में लिख देते हैं, लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य, हम कितना में 5 रुपये में खरीदे और 10 रुपये में बेच रहे हैं, 5 रुपये में खरीदे यानी सी पी मेरा, सी पी हो गया दिखा हो, सी पी बराबर हो गया मेरा 5 सेलिंग प्राइस यानी हम बेचे कितना विक्रय मूल्य मेरा 10 हो गया। चलिए तो लाभ मेरा हो गया प्रॉफिट, पी बराबर अगर एस पी मतलब लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना मेरा 10 रुपये में बेचे हैं और खरीदे कितना 5, तो बराबर हो गया 5 यानी लाभ मुझे हुआ 5 रुपये का, लाभ मुझे हुआ 5 रुपये का। तो चलिए आप इसमें लाभ परसेंटेज में निकालते हैं इसमें, तो चलिए इसमें रख देते हैं लाभ बराबर हो गया कितना परसेंट, कितना का लाभ हुआ है 5 रुपये का लाभ हुआ है, 5 खरीदिए लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में कितना था 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी 5 रुपये में सी पी कॉस्ट प्राइस 5 रुपये। तो चलिए ये हो गया मेरा क्रय मूल्य 5 गुना 100%, अब इसे काट देंगे हम, अब इसे काट देंगे कितना कट जाएगा 20-25 100, 20-25 100। तो चलिए आप इधर गुना कर देते हैं, हो गया 20-25 100 यानी 20 यानी 100% का लाभ हुआ, यानी मुझे अगर 5 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे और 10 रुपये में बेच दिए तो हमें टोटल 100% का लाभ हुआ है, टोटल 100% का लाभ हुआ है। तो चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछली हमारा क्वेश्चन है, एक किताब की कीमत 50 रुपया है और हम उसे 65 रुपये में बेच दिए, तो बताएं कि हमें कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। चलिए अब हम प्रतिशत में निकालते हैं, प्रतिशत में लाभ निकालते हैं कितना परसेंट या कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो चलिए हम तो यहाँ साफ देख रहे हैं
ये पहले किसी किताब की कीमत 50 रुपया है, 50 रुपया है, ये मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा हो गया 65 रुपये में बेच दिए यानी विक्रय मूल्य। तो पहले क्रय मूल्य 50 रुपये में, 50 रुपये किताब की कीमत है, तो 50 रुपये मेरा हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 50 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 65 रुपया। आप बता रहा है कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो हम तो साफ देख रहे विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, क्योंकि हमें जान रहे हैं कि विक्रय मूल्य यानी हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, विक्रय मूल्य सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है, तो हम समझ गए कि बढ़ाने से छोटा को घटा देना है, तो हमें फ़ायदा ही होने वाला है। तो अब हम प्रतिशत में से निकालते हैं, तो क्या करेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये मेरा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अब हम कर देते हैं विक्रय मूल्य का कितना, तो हमारा लाभ हुआ है, तो लाभ में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का कितना 65 माइनस क्रय मूल्य मेरा है 50, तो घट गया कितना, बचेगा 15 रुपये यानी प्रॉफिट हुआ है। तो आप परसेंटेज में इसको निकालेंगे, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया लाभ बराबर, लाभ कितना हुआ मेरा 15 रुपये का, 15 बटा मेरा क्रय मूल्य था 50, इसके बाद परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, फिर ये जीरो 5 दिया है 15, मेरा लाभ हो गया 30%। तो चलिए